इंडिया ग्रोव स्लॉटर हाउस में क्षेत्राधिकारी नगर ने की छापेमारी, पकड़े गए चोरी के पशु। इंडिया ग्रोव स्लॉटर हाउस में चोरी के पशु पकड़े गए। आपको बता दें, कौशाम्बी के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कल देर रात उसके घर में 6 पशु चोरी हुए। जब सूचना मिली तो वो उन्नाव दही थाना स्थित इंडिया ग्रोव स्लॉटर हाउस पहुंचा, जहां कई गाड़ी देखने के बाद एक गाड़ी में उसे अपने पशु दिखे, जिनको पहचान कर उसने गाड़ी को फैक्ट्री के बाहर रोक कर अपने पशु वापस लेने की बात कही। फैक्ट्री पर मौजूद गार्डों से कहा, लेकिन गाड़ी जबरदस्ती फैक्ट्री के अंदर करा ली। जब पशु मालिक ने इसकी सूचना 112 पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची टीम ने पशुओं को गाड़ी से उतारने से मना कर दिया, लेकिन पशुओं को गाड़ी से उतारकर बाड़े में भेजा, जहां उन पर सप्लायर का कोड डालकर पशुओं को स्लॉटर हाउस में रखने की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया। 112 ने ये सूचना दही थाने को दी तो मौके पर पहुंची दही थाना पुलिस ने गाड़ी और 4 पशुओं को बाड़े से बरामद कर थाने भेजा। गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पशु मालिक द्वारा बताया गया, चोरी हुए पशुओं में 2 पशु 6-6 महीने के गर्भ से हैं। बिना पशुओं के रवन्ना या TSF सर्टिफिकेट देखे चोरी के पशुओं को इस तरह फैक्ट्री के अंदर जबरदस्ती ले जाना और मना करने के बावजूद चोरी के पशुओं को स्लॉटर के बाड़े में कटने के लिए भेज देना फैक्ट्री प्रबंधन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर ने स्लॉटर हाउस पर छापा मार कर पूछताछ शुरू कर दी। नियमानुसार दुधारू और गर्भवती मवेशियों को काटना प्रतिबंधित है, लेकिन क्षेत्र के स्लॉटर हाउस में चोरी छुपे दुधारू और गर्भवती मवेशियों की भी स्लॉटरिंग धड़ल्ले से हो रही है, जिसका खुलासा इस घटना में हुआ है। पीड़ित के मुताबिक बरामद हुई 4 भैंसों में 2 गर्भवती हैं। सुने पीड़ित की जुबानी। उन्नाव ब्यूरो रिपोर्ट, कपूरचल। सर, मेरा 6 भैंसी खुली है सर, जिसमें 4 मिली है, अभी 2 बच्चे इसका नहीं मिला है। मेरे पापा और मम्मी खाना खाने घर पे चले गए थे, ये रात में खुली है भैंसी। 6-6 महीने का सर गाभिन है भैंसी, दूध वाली भैंसी है सर। ये कहाँ मिली आपको, कैसे पता चला आपको कहाँ है भैंसी? मैं सर यहीं काम करता हूँ कानपुर में, मेरे घर से फोन आया सर सुबह बोला घर पे भैंसी सब खुल गई, तो मेरे सर वहाँ बोला घर पे खोजा, बोला हाँ घर पे खोजा, नहीं मिला। मैं बोला सर मैं पता करता हूँ, मैं इंडार्को कंपनी गया, वहाँ पे बाहर खड़ा था, 2-3 गाड़ी गई, उसमें नहीं दिखा। ये गाड़ी जब गई तो मैं भैंसी पहचान लिया, गेट पे गया, वॉचमैन से बोला कि गेट खोलो मेरा भैंसी, बोला नहीं खोला, तो मैं प्रशासन को फ़ोन किया, 112 नंबर डायल किया, तो प्रशासन आया, तो प्रशासन गेट खुलवाया, तो अंदर जाके भैंसी उतार दिए थे, फिर प्रशासन भैंसी फिर दोबारा लदवाए। यहाँ पे कौन भैंसी लाया, किस तरीके से गाड़ी यहाँ पे लाई गई? गाड़ी सर यहाँ पे लाई गई है सर, ये मालूम नहीं है सर गाड़ी का, मगर मैं अपना भैंसी पहचाना, ड्राइवर बोला मेरे को फंसाओ मत, जो अनास करके है वो गाड़ी वही लदवाया है, भैंसी कराली से लदवाया है, और वो ड्राइवर इतना करके उसका पता ही नहीं चला किधर गया। 2 जानवर और जो आपके बच्चे हैं उसके बारे में कुछ बताया गया? उसके बारे में कुछ नहीं बताया, ड्राइवर ही नहीं मिला है, खाली 4 बड़े जानवर बरामद हुए। तो ये थी आज की खास खबरें, ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव TV एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव TV के साथ।